अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप दैट यू आर ऑल फाइन एंड हेल्दी। आई एम योर मुंतजर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर बाय रवींद्रनाथ टैगोर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 7th मे 1861 एंड एक्सपायर्ड ऑन 7th अगस्त 1941। He was also known by his pen name Bhanu Singh Thakur or Bhonita. Rabindranath Tagore was a polymath, a poet, a short story writer, a painter, a philosopher and a composer. He also wrote many novels and dramas. Rabindranath Tagore composed the national anthem of India. He also composed the national anthem of Bangladesh. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize in 1913 for his work in literature. Now move towards the poem I Cannot Remember My Mother. The poet had lost his mother in his early childhood. Now how he expresses his emotions, his love, his feelings, let's see in the poem. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. The tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. पहली लाइन में कहता है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, यानी जो पोइट है उसको अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है। Only sometimes in the midst of my play, लेकिन जब वो कभी कभी जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, ठीक है, तो उसको एक धुन का एहसास होता है। ठीक है, अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, उसको एक धुन का एहसास होता है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रैडल। क्रैडल का मतलब यहाँ पे हुआ बेटा झूला, जो होता है झूला, यानी जब वो अपनी चीजों के साथ खेल रहा होता है तो उसको अपने माँ की याद आती है कि जब ये पोइट जब छोटा था तो उसकी माँ उसको झूले में झुलाती थी। ठीक है ना, तो झूले में झुलाती थी तो उसको उसी का ख्याल यहाँ पे आता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेंजा के अंदर बात करेंगे। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर फ्लोट्स इन द एयर The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. दूसरे स्टंजा में भी पहले कहता है I cannot remember my mother, यानी मुझे अपनी माँ याद नहीं है कि वो कैसी थी, क्योंकि वो पहले ही इसको छोड़ के चली जाती है, यानी कि वो इस दुनिया से चली जाती है। तो अब पोइट क्या कहता है, बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, यानी कि जब ऑटम का सीजन आता है एंड अर्ली इन द मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर। व्हाट इज शूली फ्लावर? शूली फ्लावर एक फ्लावर है जो कि बहुत फेमस है बंगाल में और ये यूज किया जाता है पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो जो इसकी माँ होती है वो एक मजहबी औरत होती है, वो सुबह सुबह मंदिर जाया करती है और वहां पे वो ये फूल वो ले जाती है। सो यहाँ पे पुइट क्या कहता है, जब पुइट अब इस मंदिर से जाता है, ठीक है ना, तो इन शूली फ्लावर्स की स्मेल देख के पुइट कहता है कि इस स्मेल से मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ की खुशबू कैसी होगी। ठीक है, यानी मंदिर में सुबह की परजा वाली खुशबू शायर को अपनी माँ की खुशबू मालूम होती है। एंड द लास्ट स्टेंजा, आई कैन नॉट रिमेम्बर माय मदर ओनली व्हेन फ्रॉम माय बेडरूम विंडो आई सेंड माय आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई आई फील दैट स्टिलनेस ऑफ माय मदर गेज ऑन माय फेस had spread all over the sky। यहाँ पे भी पहली शुरुआत करता है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, इसको अपनी माँ याद नहीं है,
only when from my bedroom window I see यानी जब ये अपने कमरे में जाता है अपने बेडरूम में जाता है तो अपनी खिड़की से देखता है आसमान की तरफ ठीक है ना तो जब ये आसमान की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसे झुक कर उसे चुपचाप नहलाया करती थी ठीक है लेकिन तब उसे महसूस होता है कि मानो इसकी माँ आसमान पे अभी भी इस पोइट की तरह देख रही है ठीक है सो डेट वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम सो जो ये पोएम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर एक्चुअली इट इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम What is a nostalgic poem? Nostalgic poem simple हम कह सकते हैं death recalling past जिसमें past की जिक्र की गई हो जैसे आपने poem में देखा कि यहाँ पे जो एक poet है ये अपना past यहाँ पे याद कर रहा है and it could be the memory of a past event, a victory, a love or a relationship. Hope that you enjoy the today's lesson. See you in the next lesson. Stay tuned, stay blessed. Allah Hafiz.